राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म बहन होगी तेरी का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है और अब मेकर्स ने इस फिल्म का एक रोमांटिक सॉन्ग भी रिलीज कर दिया है जिसका नाम है तेरा होकर रहूं। सॉन्ग लॉन्च पर पहुंची पूरी स्टार कास्ट और साथ ही उन्होंने बात की फिल्म से जुड़ी कई ऐसी दिलचस्प बातें। I would like to welcome Gulshan Grover ji on stage. तालियां तेज। Now I would like to welcome Mr. Ninad Kamath on stage. मैं देख रहा था। बैठिए बैठिए सर बैठिए। ये देख रहे हो, समझ लो अभी तुम ताली नहीं बजाओगे मैं कंप्लेन कर दूंगा सीधी, समझे, अगले बंदे से। ऑल राइट, कैन यू प्लीज वेलकम द डायरेक्टर ऑफ द मूवी मिस्टर अजय के पन्नालाल ऑन द स्टेज। यस, मेरा सवाल अजय जी से है। अजय जी हियर। यस सर। रुक जाइए, अरे रुकिए एक सेकेंड यार। हाँ जी प्लीज। ऐसा थोड़ी तू जो कहेगा हम करेंगे, क्योंकि बहन होगी तेरी 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 तुम सबकी। सबसे पहले तो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारी पिक्चरों में काम किया है मैंने, 450 से ज़्यादा फिल्मों में। इस फिल्म को लेकर उत्साह अलग तरह का है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, इंटरेस्टिंग फिल्म और इंटरेस्टिंग चैलेंजेस। फिल्म को बनाने वाले ट्रूली यंग टीम, यंग थिंकिंग, अमूल, नितिन, टोनी, एंथनी, फिल्म के डायरेक्टर अजय, इंटरेस्टिंग फिल्म एंड शॉकिंग टाइटल बहन होगी तेरी। जिस किसी को मैं बताता हूँ कि व्हाट इज योर नेक्स्ट फिल्म कमिंग, आई से बहन होगी तेरी, दे स्टंट फॉर अ सेकेंड, यू नो। एंड अबव ऑल ऑनेस्टली टू हैव अ ब्रिलियंट एक्टर लाइक राजकुमार राव प्रेजेंट हिम इन सच अ डिफरेंट वे, in my opinion it's not one of those Rajkumar Rao serious kind of acting film, so it's also a challenge for him, it's also a challenge for the makers and everybody. Gaane dekho yaar, ke matlab gaane ke andar wo jo serious kism ki acting wala actor uska presentation, uski sari cheez is interesting tarike se ki gayi. Aur of course main hoon na फिल्म में, यू नो, बहुत समय से फैंस कहते थे कि सर वो बैड मैन जैसा रोल नहीं आ रहा, सर वो जो फिल्म में ऐसी खलनायकी नहीं आ रही, तो सडनली प्रोड्यूसर एंथनी डिसूजा, अमूल, इन दोनों ने मुझे ऐसी एक इंटरेस्टिंग रोल ऑफर किया जो काफ़ी याद दिलाएगा दोस लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स की। थैंक यू वेरी मच। बगैर कुछ बोले, ओए झिंगे कहाँ गया? मैं नाम भूल गया, तेरा नाम गौरव है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली से है तू? हाँ जी, हाँ जी। मुझे पहली बार सुना मैंने। मेरे को पता। थैंक यू, थैंक यू। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर गुलशन ग्रोवर? यस। वन स्मॉल अनाउंसमेंट, ऋषिरिज इज ऑल्सो हियर, सो कैन वी प्लीज इनवाइट हिम ऑन द, कम ऑन, गिव इट अप फॉर ऋषिरिज गाइस। ऋषिरिज एंड जगीडी इज ऑल्सो हियर। यस, यू गाइस नो हु जगीडी। You want to come on stage? You are good. ठीक है, all right. So please, thank you. Anyone else who would like to say something? राजकुमार राव यार, say few things यार, say something यार. सर आपने इतना कुछ बोल दिया, I don't know मैं क्या बोलूँ उसके बाद. आप तो वही कमाल सर, हम सब जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं आपको. But thank you so much for coming guys. और जैसे सर ने बताया मेरे लिए ये पहली एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप मुझे प्रॉबली सप्ताह में देखेंगे, पर मुझे बहुत मजा आया. I had lot of fun. और मेहनत इसमें भी उतनी है जितनी बाकी सब फिल्म्स में होती है, बट इट्स अ डिफरेंट जॉनर. और कमाल की टीम है हमारी, और आई होप आपको ट्रेलर अच्छा लगा हो, बट दिस इज माय गारंटी कि हमारी फिल्म ट्रेलर से और 10 गुना ज़्यादा अच्छी है. यस सर, थैंक यू.
अजय जी 80s में और भी कई सुपरहिट गाने थे, ये गाना चुनने की जानू मेरी जान चुनने की कोई खास वजह? मेलोडी अच्छी थी, मेलोडी अच्छी थी और हम लोगों का विद माय प्रोड्यूसर्स हम लोगों का ये लगा कि ये मासेस को पसंद आएगा और जस्ट बिकॉज ऑफ मेलोडी दैट्स इट। अच्छा राजकुमार, जिस गाने पे बच्चन साहब और शशि कपूर थिरक चुके हों, वो गाने पे थिरकने का अनुभव कैसा रहा, तो कितना नॉस्टैल्जिक रहे इसके आपके लिए? सर जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने रीफिक्स किया है सॉन्ग को, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। पहली बार थोड़ा डांस करने का मौका मिला और श्रुति के साथ, वो भी इतनी, शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ अमेजिंग डांस, अमेजिंग अमेजिंग एक्टर, तो वी हैड लॉट ऑफ फन। उस वक्त ऑफकोर्स ऐसा ध्यान नहीं आया कि शायद बच्चन साहब ने गाना किया तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक ही बहुत ही नए तरीके से हमने इस सॉन्ग को प्रेजेंट किया है सबके लिए। थोड़ा सा जो तड़का है वो आज का है, तो हमें शूट करने में बहुत ही मज़ा आया सब। नॉर्मली हमने राजकुमार को नाचते गाते नहीं देखा और यहाँ पे पहली बार इस तरह के गाने के भी दिख रहे, तो क्या आप इस फिल्म से आपकी एक नई शुरुआत हो रही है कहा जाएगा? आई डोंट नो सर, नई शुरुआत होगी कि नहीं देखेंगे वो तो, पर मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ सर, जो स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगती है वो मैं करना चाहता हूँ। तो बहनों की तेरी भी एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो काफ़ी अलग थी और काफ़ी फ़नी थी, काफ़ी रिलेटेबल थी। ये इट्स नॉट वन ऑफ दोस कॉमेडी जिसमें हम कहेंगे कि आप अपना दिमाग घर पे रख के आइए, आप अपना दिमाग प्लीज़ लाइए, और बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही रिलेटेबल, और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप देख के कहेंगे कि ये तो मैं हूँ या फिर मैं ऐसे किसी को जानता हूँ। दे आर वेरी रिलेटेबल, वेरी ह्यूमन, और वही आई थिंक वही कॉमेडी होती है, जितनी रियल हो उतना ही मज़ा आता है। अजय जी, लाइफ में आपने कितनी बार कहा है अपने बहन होगी तेरी? काफ़ी बारी सर, ये बचपन से कह रहे हैं सर, बचपन से। एज एनी एक्टर से इसके एक्टिंग में कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, लाइक आपने भी एक्सपीरियंस किया कि कॉमेडी एक्चुअली मुश्किल होता है? वी हैव सीन यू इन एक्चुअली सीरियस रोल्स मोस्ट। सर मैंने ये सील भी बहुत ही सीरियस, ये रोल भी बहुत ही सीरियसनेस से किया है, शिद्दत उतनी है जितनी बाकी फिल्म्स में होती है। आई डोंट नो सर, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है, कॉमेडी कैसी होती है, कैसे करते हैं, आई डोंट नो। मैं तो एज एन एक्टर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मोमेंट को हम जी रहे हैं उसको ईमानदारी से जीऊँ, ऑनेस्टी से जीऊँ, अगर उसमें कॉमेडी होनी है तो हो जाती है। लेट मी आंसर दिस। बहुत सालों बाद एक ऐसा एक्टर मुझे दिखा है और जिसके साथ मैंने काम किया है, जिसके साथ ऐसा लगा कि बहुत होनहार है और बहुत कमिटेड है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि राजकुमार राव बगल में बैठे हैं। मेरे बारे में बोल। सर वो तो आपके छोटा मुँह बड़ी बात, सर आपके बारे में, राज के बारे में बोल सकता हूँ। Because it was such a pleasure working with him, because मुझे याद है ऐसे कई सारे scenes हैं जिसमें वो होते भी नहीं थे, वो scene में हैं लेकिन camera के सामने नहीं है, फिर भी खड़े होके cues देते थे हमको, which I have not seen, presently I have not seen in any breed of actors that we have, and वो उनकी timing इतनी अच्छी है कि वो comedy कर रहे हैं, serious role कर रहे हैं, वो जो timing, कड़क जो timing है उसके वजह से सब कुछ हो जाता है। And he's brilliant as it is. The question is to you, and it's a vice versa question. So, see, now that you have entered the Bollywood industry, how many times have you been bhai zone before, and now those girls want you to be your boyfriend? No, I've had a couple of instances where I used to like some particular girl when I was in school, but of course at that time, nothing happened. Luckily, she was not my sister, and she never tied Rocky. To me, but now there are these girls who messages me now on my social networking site that, hey, what's up, how are you doing, long time, but now they're married, they're very happily married with kids, so yeah, it happens. I think it happens when you probably, especially in when you're in films, when you act in films. When I was in Delhi, I was doing theater, I would look up at any actor, whether from television or films, I would be mesmerized. So I think it's the magic of cinema, it's the magic of being on screen that works on those girls now. So how was the overall experience of working with Shruti Hassan? It's a very unique pairing. I mean, we have seen you with Queen and we have seen you with serious acting. So now this is a comic role. So how was the whole experience? No, it was amazing working with her. She's gorgeous. She's beautiful and she's equally talented, whether be it singing or be it acting. Like how these guys are saying that I would stand for my cues, stand for their cues, but I'm not bragging about it, but I think it's my job. It's everybody should do that. That's how it should be. There's nothing extra I'm doing. But she would do the same. She would do the same for me.
So we've had a great time. I think hopefully you'll see that relationship, you'll see that chemistry on screen as well. गुलशन जी कमलिया, आप जाने जाते हैं टेढ़ी उंगली से जाने जाते हैं कि कोई भी काम सीधी उंगली से होता नहीं है, टेढ़ी उंगली से होता है. राजकुमार आपसे जानना चाहूँगा कि लड़की पटाने के लिए कभी भी आपने कुछ टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल किया है कि सीधे रास्ते से हो नहीं रही है तो कुछ ना कुछ टेढ़ी उंगली तो करनी आप मुझे इसके बाद मिलो अलग से, बहुत किस्से हैं मेरे पास. मतलब हाथ ही टेढ़ा कर दिया था हमने तो, उंगली तो क्या टेढ़ी करेंगे. बट वो आप अलग से मिलो मुझे, मैं आपको बताऊँगा. और एक चीज़ जानना चाहूँगा, राबता में जो आपकी आपके लुक के बारे में है उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही यूनिक लुक है और बहुत ही तारीफ हो रही है उस लुक के बारे में. थैंक यू सो मच ब्रदर. हाँ, कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग रिएक्शन मिला है उस लुक को. यू नो, दीनू इज़ अ गुड फ्रेंड, होमी इज़ अ गुड फ्रेंड, तो जब उन लोगों ने मुझे बताया कि एक स्पेशल अपीयरेंस है और वो चाहते हैं कि मैं करूँ, तो मैंने उनसे पूछा क्या है, देन दे टोल्ड मी अबाउट दिस कैरेक्टर एंड दे शोड मी सम रेफरेंस लुक. तो आई वॉज डैम एक्साइटेड. आई थॉट ऐसा कुछ मैंने कभी किया नहीं है और ऐसा शायद कभी जल्दी से करने का मौका नहीं मिलेगा. बहुत एक्टर्स को नहीं मिलता है इतना डिफ्रेंशिएट एक लुक में जाने का, डिफरेंट लुक में जाने का. तो बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च थी उस लुक के पीछे. कुछ 6 घंटे का प्रोस्थेटिक मेकअप था डेली, कुछ जो हम 8-10 दिन हमने किया था. इट वॉज क्वाइट टफ, क्वाइट पेनफुल एक्चुअली द एक्सपीरियंस. बट आई थिंक नाउ व्हेन आई लुक एट द रिएक्शन, व्हेन आई सी हाउ पीपल रिएक्टिंग टू इट, आई थिंक इट वॉज ऑल वर्थ इट.